अब बताओ किस हाथ में? इस हाथ में। सही, अब मैं करती हूँ। अच्छा, अब तो बता किस हाथ में है? इस हाथ में है। आम चाहिए क्या? खाकर देखो, अच्छा है। लो, अरे लो ना। गायत्री, मैं जा रही हूँ। अच्छा लगा। मुझे आम बहुत पसंद है। और उसे तुम बहुत पसंद हो, वो वहाँ खड़ा है ना, उसे। पकड़ 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 मुझे। अरे क्या, सुन, मेरे साथ खेलोगे? क्या हम पागल है क्या? बड़ा आया, मेरे साथ खेलोगे? चल जा, चल प्रकाश, ये और इसका खेल। तू जब मेरे साथ खेलने आएगा तब मजा आएगा। जाओ जाओ, क्या बताओगे तुम? चलो तुम, इसका चेहरा देखा कैसा रोने जैसा। तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बालू। अब चलना प्रकाश। प्रकाश, क्या कह रहे थे तुम? ए सुन, अरे बालू, उसने तो पूरा आम खा लिया और कुछ भी नहीं बोला। लड़कियां ऐसी ही होती हैं। लड़कियां हम लड़कों की तरह जो भी मन में आया बोल नहीं देती। जो पॉकेट में निकालना। क्या हुआ, निकालना? ये ले, पेंसिल दे रहा है। मुझे चॉकलेट चाहिए। अरे निकाल जल्दी। मुझे डर लग रहा है, उसने घर पे जाकर बता दिया तो। उसके पिताजी का चेहरा देखते ही मुझे पैंट में सूसू आ जाती है। ये ले। फिकर नॉट, मैं हूँ ना। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दूर करना है। ये क्या कर रहा है? ठीक है, ये पागल तो नहीं हो गया? हाथ उठाओ अपना। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना। अब डर नहीं लगेगा तुम्हें? तो नहीं समझा रहे, कहीं उसने घर जाकर बता दिया तो। मत, हम मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। तुम कुछ ज्यादा ही डर रहे हो। डरपोक कहीं का। अरे बाप रे, ये तो थॉमस आ रहा है। तुम ही रोज टिफिन खोल के मेरा अंडा खा लेते हो ना, चोर कहीं के। मुझे छोड़ो। खाया तो मार डालूंगा। अब मेरे टिफिन को हाथ भी लगाया ना तो तोड़ डालूंगा हाथ। हाँ, मर्द में हिम्मत होनी चाहिए, और वो भी इसके जैसी। दिवाकर, कैसे हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। पर अरे बाप रे बाप, कितनी बार तुमसे कहा है पैदल मत जाओ? स्कूल चलती छूट गई थी इसीलिए। बैठ जाओ। तुम कौन हो? मैं वो चंदू भाई का बेटा हूँ। ऐसी हालत में कोई भी अपने ही पिताजी को भाई जरूर बोलेगा, क्योंकि गायत्री के पिताजी का चेहरा और सवाल कुछ ऐसा ही था, और वैसे भी उनकी आवाज काफी नरम थी। और यह घटना जिंदगी भर भूलने वाली घटना नहीं थी। अगर फिल्म होती तो यह इंटरवल पंच होता। प्रकाश, अबे तू यहाँ है?
यहाँ पर क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा, टंकी भर गई थी। अरे दिन भर कितना पानी पीता है? पता नहीं क्या होगा, मेरा होमवर्क नहीं हुआ। अबे बोलेगा भी, बात क्या है? अरे कितने साल हो गए तूने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई, आज तो तू उसे बता ही दे। कल से छुट्टी है, स्टडी लीव। अब चले? हाँ चल। चलो। बालू स्टैचू। अबे तेरी तो थॉमस। अब क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों खड़े हो? चलो। अरे स्टैचू। बकवास मत कर। मुझे आकर छूरा। चल अभी, जब देखो तभी बचपना करते रहता है। इतना बड़ा हो गया फिर भी स्टैचू स्टैचू खेलते रहता है। एग्जाम में जब अंडे मिलेंगे ना तभी से पता चलेगा। अंडे मिलेंगे तो बॉईल करके खा लेंगे। बालू सामने देख, कौन है? कहाँ? आज तो तू बोल ही डाल। मुझसे नहीं हो पाएगा। आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगा। अरे जा, अबे जा ना, अभी जा, निकल। अरे जा। गायत्री क्या बात है? जरा इधर आओ ना। अरे पूछना जल्दी। वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्लास के बाद तालाब के पास आना। क्या कहना चाहते हो? एग्जाम्स नजदीक आ रही हैं और मुझे शाम को ट्यूशन होता है। अब तुम घर जाओ। लड़की के पीछे इतना भागने के बाद जैसे सब लड़कों के साथ होता है, वैसा ही अपने हीरो के साथ भी हुआ। दसवीं में अपना हीरो फेल हो गया। अब क्या करेगा? सड़क के किनारे उसका इंतजार करेगा। मुझे डर था कहीं तू पास ना हो जाए। कम से कम आज तो उसे बता दे। अरे जाओ। मैंने कहा था ना वो जरूर आएगा। सुनो प्रकाश, बेकार में मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो, पहले दसवीं पास करने की कोशिश करो। वैसे भी हम दोनों के कभी नहीं बनेगी, मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। गायत्री ने जो कुछ भी कहा उससे हमारा हीरो टूट गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जुल्फे हैं प्यारी कैसी ये लहराती, आँखों से बातें हो रही। कभी तुम रुक जाओ, नजर भी तो मिलाओ, बड़ी मुश्किल है ये घड़ी भी। जाने कहीं से तुम आई हो इस तरह, भेजा है मेरे लिए ही। रातों में याद आती, ख्वाबों में भी तुम हो, बाहों में कभी तुम भी आओ। होंगे कभी ना जुदा हम, ना जुदा। देखा तुम्हें जब तो उस दिन की बात है, दिल में तू बस गई, पागल सा हो गया। दे
देखा तुम्हें जब तो उस दिन की बात है, दिल में तू बस गई पागल सा हो गया, फूलों में भी तुम हो बाग में भी तुम हो, चेहरा तुम्हारा है चांद का टुकड़ा। बारिश में भीगे हैं तितली भी गा रहे, मोहब्बत की राहों में मिलते रहे हम दोनों, बारिश में भीगे हैं तितली भी गा रहे, मोहब्बत की राहों में मिलते रहे हम दोनों, सपनों में आती थी अब तो हकीकत है, होंगे न जुदा हम ना होगा कोई गम। चलो अगला गेम मैं बताता हूँ। लेकिन बालू अगले गेम के लिए कान ही बाकी नहीं है। अगले गेम के लिए तेरे कान ही नहीं बचेंगे। अरे बाटो बाटो, ये गेम तो मैं ही जीतने वाला हूँ। चल दांव लगा। अरे अपने हीरो को क्या हुआ यार? तुमने तो पता नहीं, इसका प्यार टूट गया। बालू, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ यार। अरे तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम उसे भूलना चाहते हो? हो जाएगा, दस रुपए तो दो। अरे दस रुपए क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारा प्यार टूट गया है ना। अरे ये पैसे दस रुपए खरीदने के लिए रखे हैं। अरे दो ना यार। अरे क्या अभी कैसा? हाँ ये ले भाई। अरे इसने पांच ही रुपए दिए, दस रुपए दो ना कोई इसकी तो। अरे दो ना इस बेकारी को। हाँ, देखा दिया ना। हाँ चलो थैंक यू, चलो मैं निकलता हूँ। तो, मेरे अरे पैसे छोड़ ना, काय का दूध लेना है। आज के दिन पानी पी ले, चल सारे पैसे मैं निकलता हूँ, दूध लेना है। अरे चल निकलता हूँ। ए बालू। अरे प्रकाश छोड़ना यार। त्रिभुजा छोड़ के चली गई। अरे तू इतना क्यों रो रहा है यार? तू मर्द है ना? फिर ऐसे मर्द रोते हैं क्या कोई? नहीं भूल पा रहा। अरे छोड़ना प्लीज यार, तू भी क्या उसको याद कर रहा है? उसको तेरे सारे की जरूरत होनी चाहिए और तू उल्टा रो रहा है क्या यार? प्रकाश ऐसा मत कर। अरे प्रकाश तू क्यों उदास हो रहा है यार? जो चाहा अगर नहीं भी मिला फिर भी दोस्त अपने साथ ही रहेंगे, और बाद में ये सारी बुरी आदतें जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। नारायण भैया क्या है? एक ग्लास पानी दो ना। तू फिर से आ गया? नहीं तो गरम चाय तेरे मुंह पे फेंक दूंगा। उस दिन मेरे दुकान पे इतना तमाशा किया, मेरे सारे कस्टमर चले गए थे पता है तुझे? चल निकाल यहां से। इसके घर वाले इसे खाना तक नहीं देते और चला आता है, दिन खराब कर दिया मेरा। नारायण भाई। हाँ आप क्या हुआ? ये लड़का कौन है? वो जो अभी इधर आया था उसे तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है, वो चंदू का बेटा है। तब तो इसे बोलकर कोई फायदा नहीं है। अच्छा क्या मतलब? मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। सही कहा, बिल्कुल बाप पर गया है। अगर ये अपने बाप के रास्ते पे चल रहा है तो ये गलत कर रहा है, इसके जैसे लोग हमारे लिए कलंक है। भैया मुझे दवाई। देखो पहले के पैसे चुका दो फिर तुम्हें दवाई दूंगा, चलो निकलो। दे दूंगा। नहीं मिलेगी। चल जा। मैं दे दूंगा बाद पहले में। के पैसे चुका दो, मैं बोल रहा हूँ ना, फिर ही दवाई दूंगा। लेकिन मुझे मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मेरी दवाई मुझे कोई पानी नहीं देता, कोई दवाई नहीं देता, पैसे दूंगा बोला दवाई नहीं देता पानी नहीं, मैं किसी का। अरे दवाई खरीदने के बदले तू कहाँ गया था? क्या कहा? प्रकाश तू मेरे साथ चल। वो
वो कहता है पैसा देगा तभी दवाई देगा। चल साइकिल पे बैठ, चल जल्दी। तुम चलो दवाई दिलाओ मुझे। चलो तो मेरे साथ। अरे क्या कर रहा है? नहीं इस तरफ चलो। चल चल तू चल साइकिल पे बैठ। चल मैं नहीं आऊंगा। जल्दी चल, मैं बोल रहा हूँ प्रकाश मेरे साथ चल। चल मैं दवाई लेके देता हूँ। चल अरे जरा चुप कर। मैंने दवाई नहीं दिया प्रकाश, बात को समझो, चुप रहो। दवाई दिए पैसा। अपने आप को संभालो प्रकाश। बेटे की हालत को देखो। अब उसका प्रकाश, प्रकाश संभालो अपने आप को, संभालो। क्या हुआ? क्या अब आखिरी पिंड को उस पत्ते पर रखो। अब फूल पिंड पर रखो। अब दक्षिण की तरफ घूमकर तीन बार ताली बजाओ। एक काम करो, थोड़ा पीछे हो जाओ। लगता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। कल क्या होगा तो आप वर्तमान में नहीं जी रहे हो।
बीते हुए कल और आने वाले कल को पीछे छोड़ दो और वर्तमान में आ जाओ। हम जहां जी रहे हैं, बीते हुए कल और आने वाले कल को पीछे छोड़ दो। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, हमें दुनिया का भला करना है। जो बीत गया है वो एक इतिहास बन गया है। अगर आज के नौजवान भटक रहे हैं तो उनका जरूर कुछ कारण है। और मैं तो यकीन के साथ कह रहा हूं, हमारी सार्वजनिक सुविधाएं खत्म हो रही हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी, खेल के बड़े बड़े मैदान और मंडली, ये सब हमारे समाज से गायब हो रही हैं। आज के संतों किसी और दूसरे काम के लिए व्यस्त हैं, जिससे हमारे समाज में गंदगी फैल रही है। हमें ऐसी परिस्थितियों में नौजवानों को जानना होगा, पहचानना होगा। हमें इन नौजवानों की नशे की लत छुड़ानी होगी मित्रों, और इसी के लिए ये सबसे ठीक समय है। ये प्रकाश के लिए जागृति थी और फिर उसने लाल झंडा उठा लिया और वो इनकलाब के दिन थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सुनो, तुम्हें किसने कहा था क्लीन करो? हाँ, क्या बात है, सब ओके है ना? काम नहीं हुआ सर। काम नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तुमने किसे काम पर लगाया था? मेरे दोस्त को, किसी ने सारे पोस्टर फाड़ दिए सर। ये क्या बकवास कर रहे हो? किसी ने फाड़ दिया? अगर काम नहीं कर सकते थे तो काम क्यों लिया? तुम्हें पता है काम कितना जरूरी था? हेलो, बैंक के पास पोस्टर लगाना बहुत जरूरी है। वो जाने दो, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है सर। तुम एक काम करो, तुम बैंक पहुंचो। लॉकर की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हंगामा करो। सर मुझे बहुत काम है। क्या काम है? अगर पोस्टर चिपका देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम तुरंत बैंक पहुंचो और जरूर पहुंचना। ठीक है सर। दिमाग खराब हो गया, गाड़ी को भी अभी खराब हो। मैं पहुंच जाऊंगा, कितनी बार बताना पड़ेगा? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? अब दोबारा फोन किया तो वहां नहीं आऊंगा, समझ गया? अब फोन रख। आहा, अगर इधर एक जज होता तो मुकाबले में मजा आ जाता। उसकी क्या जरूरत है, ये सब तो हम ही जज कर लेंगे। सुन, वो गहने तो किसी जरूरी काम से निकाले थे और ऐसा करना मेरे लिए पहली बार नहीं है। वो सब एक साथ वापस नहीं कर सकते। अगर तुम्हें डर लग रहा है
तो कल मत आना, ठीक है? मैं संभाल लूंगा। पहले तो मैनेजर से पूछने के बाद ही तुमसे पूछेंगे। कल का विजिट बिल्कुल नॉर्मल विजिट है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुछ कहे। ये हेड ऑफिस से एक नॉर्मल विजिट है और उनको उस बात से दूर रखने के लिए मैंने इंतजाम कर दिया है। सुनो, कल हम चर्चा करेंगे उस डेप्यूटी मैनेजर और उस अकाउंटेंट के नाजायज रिश्ते के बारे में। क्या हुआ, डर गए? वो गीता का हस्बैंड बहुत गुस्से वाला है और बेवड़ा भी। कल वो सही वक्त पर बैंक पहुंच जाएगा और बाकी का काम वो कर देगा। कल लॉकर चेकिंग नहीं होनी चाहिए, वो मैं संभाल लूंगा। बहुत दिनों से मैं ये काम कर रहा हूं। अब फोन रख, मुझे पोस्टर भी चिपकाने हैं। सुनो, एक बहुत जरूरी काम है, तुम मत करो, किसी से ये काम करवाओ। उधर जाके खेल, बीच रास्ते में कार चला रहा है। अच्छा, तो तुम आ गए। काम क्या है सर? बस एक छोटा सा काम है, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है। मेरी रोलिंग्स तुम्हें पता है ना, रियल एस्टेट के लिए कैश चाहिए था। जब भी जरूरत होती है मैं अपने पार्टियों के बैंक में रखे गहनों को गिरवी रखवाता हूँ। ये जिसका लॉकर है उसके और मेरे बीच का एडजस्टमेंट है। डेप्यूटी मैनेजर को थोड़ा डाउट है, लेकिन मुझसे डरता है और किसी को नहीं बताएगा। कल हेड ऑफिस से लोग आ रहे हैं, मुझे डाउट है शायद इसी काम के लिए। कल के विजिट के समय उनका ध्यान कहीं और भटकाओ। ये पोस्टर चिपकाने से उनका ध्यान कैसे हटेगा? मैं पक्का तो नहीं कह सकता। अगर बैंक और घर के पास ये पोस्टर लगाएं तो गीता का पति चुप नहीं बैठेगा। बस थोड़ा सा बवाल होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। कितने पोस्टर हैं? ये लगभग 100 होंगे। एक पोस्टर का 2 रुपए होता है, पर मैं 10 दूंगा। आदमी मिल गया? बाहर खड़ा है, अंदर बुलाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लो और उससे डील करो, बाकी काम के बाद मिलेंगे। बाकी के पैसों के लिए फिर से आना पड़ेगा क्या? पैसे नहीं चाहिए, मत आओ। काम किए बिना पैसे कैसे दूं? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, जाकर पहले काम करो। काम होने के बाद फोन करना। अरे क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहे ये लोग? मरना चाहता है क्या? गाड़ी दिखती नहीं तुझे? कहां कहां से आ जाते ये बच्चे? आ चलो चलो आगे। आजकल के बच्चे तो बड़े बिंदास्त हैं। अच्छा हुआ ब्रेक टाइम पर लग गया, नहीं तो टिकट कहां जाना है? ओए तुमसे पूछ रहा हूँ। नाका जाना है। नाका जाना है? कौन से नाका जाना है भाई? साकी नाका जाना है। ए सुन, देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए ना।
क्या पूछ रहा था तुमसे? उसका गोंद का डब्बा नीचे गिर गया, थोड़ा गोंद मांग रहा है। तो उसे इस काम का तजुर्बा नहीं है। मैं उसे गोंद दे दूं क्या? तुम जाकर पोस्टर चिपकाओ ना, वो अपना काम खुद कर लेगा। अगर वो ये काम कर लेगा ना तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, फिर क्या हम पत्थर खाएंगे? थोड़ा दे दीजिए ना। मैंने कहा ना जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही करो। इसे मदद करने की पड़ी है। अरे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ये जाकर वहाँ चिपकाओ। अच्छा चला गया, मैं गोंद लेकर आता हूँ, हम उधर जाके चिपकाते हैं। आज के जमाने में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। ये क्या, डिप्टी मैनेजर और अकाउंटेंट गीता का नाजायज संबंध? इसके लिए पोस्टर चाहिए क्या? एक अनजान आदमी आकर रात को पोस्टर लगा रहा है, और वो भी काफी पोस्टर। इससे तो दूसरों की नौकरी चली जाएगी। पिताजी ये आपने क्या किया? ये हमारी जगह है, यहाँ सिर्फ हम पोस्टर चिपकाते हैं, और वैसे भी वो बहुत घटिया पोस्टर था। हम भी तो गंदी फिल्मों के पोस्टर्स चिपकाते हैं। वो हमारा काम है। तो क्या वो उसका काम नहीं था? उसने भी तो किसी से पैसे लिए होंगे। हो सकता है आज का कमाया पैसा कल के लिए उसे जरूरत पड़े। अब आप भी मत चिपकाओ नालायक। ये चिपकाने से हमारा गुजारा होता है। तुम पहले अपना काम करो, उसके बाद दूसरों की मदद करो। तुमको चार टाइम पेट भर के खाना चाहिए ना, पता है वो कहाँ से आता है? चलो 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 आराम से चड्डा, आज तो बहुत रंगीन दिख रही हो। सीट खा ली, चलो। हाँ रुको रुको, पब्लिक चढ़ रही है, मेरे कहने के बाद ही गाड़ी निकलना। आज चलो चलो जल्दी, आज चलो राइट। ये बोरी जैसी जींस पहनकर कैसे चलती है, कैसा कैसा फैशन आ गया है। हर एक जनरेशन में नया फैशन होता है। 60 साल के आदमी की सोच में और 20 साल की लड़की की सोच में अंतर तो होता है ना। टीनएजर्स से आपको क्या लेना देना, दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बस इतना ध्यान में रखिए। ये विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर है, जब मैनेजमेंट ने कॉलेज में कैमरा लगाने का फैसला किया था तो इसने विरोध किया था। ये अब्दुल कलाम की शिष्या है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही जोश। ये जोश नहीं है, समझदारी है। हाँ सुन लिया। आज कौन सी क्लासेस है तुम्हें याद है? फर्स्ट मैथ्स और फिजिक्स और फिर बायोलॉजी की। टिकट टिकट टिकट। कंडक्टर आ गया। टिकट। हाँ तुम दोनों तो स्टूडेंट्स हो ना, ठीक है। हाँ जू कोलीवाड़ा, जू कोलीवाड़ा। हाँ हाँ आया आया। हाँ जिसको उतरना है उतर जाइए। चलो जू कोलीवाड़ा आ गया। अब इस बच्चे को आज्ञा दीजिए, ठीक है? ठीक है। जल्दी चलो। अरे हाँ हाँ भाई आ रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, चलो उतरो। चलो आ जाओ, आप भी अंदर आ जाओ। चलो ना भाई जल्दी। चलो निकलो। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ रुको रुको रुको। हाँ चढ़ो 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 जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है। अरे उतरो ना भाई फटाफट। जाने दे जाने दे जाने दे। हाँ जल्दी 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 चलो। क्या टिकट टिकट बैठ गया क्या सब? चलो जल्दी चलो। आओ भाई साहब बैठिए। हाँ चलो चलो चलो। टिकट टिकट। चलो। उस पुल के नीचे किसी का मर्डर हुआ है, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है।
ड्राइवर थोड़ा साइड से लेके चलना। हाँ थोड़ा साइड में ले लो, साइड में ले लो। आजकल के लोग भी ना, लेता हूँ लेता हूँ। देखो मर्डर कर दिया है ना। देने है? मेरे मामा को देने हैं। देख भाई तू चिंता मत कर, कल रात मैंने बहुत लोगों से बात की है। मैं मिलकर आता हूं। कभी कभी ये प्रेस का मालिक मदद करता है, इसीलिए मैं इधर आया, मगर काम नहीं हुआ। कहता है सिर्फ चेक रखकर कैश नहीं देगा। चलो कहीं और ट्राई करते हैं। चलो हाँ हाँ मेरी बात हो गई है। हाँ मैं देख लूंगा उसे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बताऊं, कुछ लोग मेरे पीछे लगे। अगर इन लोगों से डरेंगे तो जिएंगे कैसे? चलो जो होगा देखा जाएगा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे मारपीट में फंस कैसे गए। आज पूरे 4 दिन हो गए तुम्हारे काम के लिए भाग दौड़ कर रहा हूं। जब मुझे पता चला कि तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए तब मुझे बहुत ही दुख हुआ, सच कहता हूं। तुझ में तो कोई बुरी आदत नहीं है, फिर भी तुम कर्ज में कैसे डूब गए? पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। कई बार लगा तुमसे पूछूं, लेकिन मैं नहीं पूछ पाया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं समझ गया दोस्त, तुम किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते, और अब तुम प्रॉब्लम में हो और तुम्हें मदद की जरूरत है, यही ना? सुदेश एक बात कहूं दोस्त, ऐसी हालत में मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। यह सब तकदीर का खेल है। 28 उम्र तक वक्त बुरा है और उसके बाद अच्छा समय है। तो क्या तुम भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हो? रुको 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 रुको, रुको। क्या संतोष आजकल दिखते नहीं? भाई थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। तुम तो 1000 एकड़ और 2000 एकड़ की बात करते हो, छोटे मोटे डील पर भी ध्यान दो जरा। 2-3 बीघा जमीन का डील जल्दी हो जाता है। तुमने उस दिन जो प्रॉपर्टी दिखाई थी उसके पेपर्स दे दो जरा, उसके लिए खरीदार आया है। मैंने कितनी प्रॉपर्टी दिखाई, एक की भी डील नहीं हुई। तुम तो सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाते हो और फिर उधर से चले जाते हो, तो बताओ डील कौन करेगा? ठीक है जाओ, मैं फोन करता हूँ। चलो चलो भाई। कौन से पेपर्स की बात चल रही थी? हाँ चलो। शायद हो सकता है तुम्हारे दिखाए हुए प्रॉपर्टी का डील ओके कर रहा था, मगर कमीशन मिलते ही तुम्हें भूल जाएगा। मैं अभी आया। May 19। क्या हुआ? 3 लाख देने को तैयार हो गया है, सिर्फ चेक काफी नहीं है, जमीन के कागजात रजिस्टर करने होंगे। वो तो तुम दे दोगे ना? दे दूंगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कल उसने अपने ऑफिस में बुलाया, हमें जाना है। अगर सब ओके हो गया तो परसों तक कैश मिल जाएगा। अब जाकर जान में जाना ही। अब बाकी के 2 लाख अरेंज करना है ना, वो भी कर देंगे।
बोर्ड पर क्या देख रहे थे तुम? कल मेरा बर्थडे है। हाँ हाँ। प्यार करते वक्त और शादी के बाद मुझे वो बर्थडे में गिफ्ट देती थी और मैं उसे दावत। इसका मतलब कल दावत है। शायद वो भूल भी गई होगी। और जब पेट्रोल भरने के लिए पैसा नहीं है तो उसे दावत कहाँ से दूंगा मैं? उसे याद भी नहीं दिलाता मैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खुद की कमाई से दावत देने की बात ही कुछ और है, वो अलग ही नशा है। लो खाओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक काम करते, प्रेस के मालिक को फिर से मिलते हैं। और 2 लाख चाहिए ना? मेरी शुरुआत वैसे एक प्रेस से हुई थी और उस समय मेरी बहुत ही बुरी आदतें भी थी। लोग मुझे पैसा देते थे और मैं उन्हें बैज में देता था, लेकिन 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेता था। एक दिन जब मेरा दोस्त मुझे ड्रामा कंपनी को पैसे देने के लिए बोला, तब मैंने एक आदमी का पैसा उठाकर उसे दे दिया। वापस देने की नीयत तो थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस कंपनी ने एक भी नाटक नहीं किया और फिर बैच मैं भरने लगा। बस उस समय से मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। जो भी करता था नुकसान होता था। बैच भरने के लिए भी कर्ज लेने लगा। मैं कर्ज में डूब चुका था। उसके बाद से आज तक मैं कर्ज से उभर नहीं पाया। ऐसे वक्त में सब कुछ जानकर भी अनु मेरी जिंदगी में आई। उसकी नौकरी के लिए भी मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे। अभी भी बहुत लोग नहीं जानते थे कि वो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी स्कूल टीचर है। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए हैं उनके लिए मैं एक धोखेबाज हूं और मैं तुम्हारे जैसा नसीब वाला नहीं हूं। सब मेरी गलती थी, मेरी गलती। पता है, मुझे आज तक कोई साथ देने वाला नहीं मिला। मैं अकेला हूं। मैं कुंडली में कभी भी विश्वास नहीं करता था। जब मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ तब ज्योतिष का बोर्ड देखते ही उसे मिलने चला जाता था। नाड़ी शास्त्र देखने के लिए मैं कोयंबटूर तक गया। देखा, अभी भी जन्म पत्री जेब में रखकर घूमता हूँ। मेरा बुरा वक्त तब खत्म होगा जब मैं 34 साल का होऊंगा। अब क्या करने का सोचा है? प्रेस दोबारा खोलोगे? नहीं, वो प्रेस मेरा नहीं था। और अभी रियल एस्टेट के धंधे में एक भी डील नहीं हुआ है। नासिक में काम आया है और वो काम मेरे रिलेटिव ने अरेंज किया है। एक शाम के अखबार के लिए थोड़ा पढ़ना लिखना बाकी है और मेरा आत्मविश्वास ये कहता है कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे। कल 8:30 बजे तैयार रहना। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। चलता हूँ। कर्जदारों से ज्यादा डर तब लगता है जब तुम उसके साथ बाइक में जाते हो। स्कूल में बहुत लोग पूछने लगे हैं कि तुम क्यों उसके साथ रहते हो। उसके पीछे बहुत लोग लगे हैं। उसे मारेंगे तो तुम्हें भी मारेंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो? जब मेरा लाखों का कर्जा था तब मेरी मदद करने के लिए कोई दोस्त नहीं आया। पिछले 4 दिन से वो मेरे साथ है। अगर उसके साथ मुझे भी मार पड़ती तो ठीक है, मैं मार खाने के लिए तैयार हूं। ऐसी फालतू बातें मत करो। काम हुआ क्या? शुक्रवार को पैसे दे पाएंगे ना? कल हमें उसी के लिए बुलाया है, लेकिन उसे जमीन के कागज देने होंगे। उसके लिए भाई भी राजी होना चाहिए ना? भाई राजी हो गया है, क्योंकि अब जितने भी कर्जदार थे वो सब घर आकर माँ और भाई से पैसा मांगने लगे हैं। माँ ने क्या कहा? माँ की हालत बुरी है, वो बहुत दुखी है। जब मैं वहां गया तो एक कर्जदार आया था,
उसने कहा तुम्हारी किडनी दे दो और उसे बेचकर मैं अपना पैसा वसूल कर दूंगा। मुझे लगा माँ ने नहीं सुना। वो कर्जदार जाने के बाद मैं जब माँ के कमरे में गया तो माँ जोर जोर से रो रही थी। मैं उसे बिना देखे ही चलाया। तुमने कुछ खाया? मैं नानी के घर भी गया था। उसने मुझे बहुत देर तक अपने पास ही बिठाया। निकलते समय नानी ने मुझे 100 रुपए दिए। मैं मना कर रहा था मगर वो नहीं मानी। और यही नानी दवाई के लिए पैसे मुझसे मांगती थी। बेचारी। मेरी माँ ने भी मुझे फोन किया था, बहुत डांटा। आज इंजेक्शन लेने का दिन था, अगर ट्रीटमेंट रुक गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। अभी भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बुरी हालत में हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मैं चाय बनाती हूँ। सुदेश बोल, अब मैं करता हूं ना। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ऐसे हालत में ये पैसा बहुत काम आएगा। मैं अभी आता हूं। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। नहीं, गाड़ी नहीं लाऊंगा, पेट्रोल ही नहीं है। अच्छा ठीक है। कहाँ जा रहे हो? मैंने चाय बनाई है। मेरे दोस्त ने बुलाया है, एक आदमी से मिलना है, बाकी के पैसे तो चाहिए। इतनी रात में जाना जरूरी है क्या? तुम सो जाओ। अरे कपड़े तो बदल लो। रात का समय है, कोई टेंशन नहीं है। तुम यही रुकना, मैं अभी आया। वो ठीक रहेगा, मैं दिखना नहीं चाहिए। हेलो, उधर क्या देख रहे हो? मैं साहब से मिलने आया हूँ, वो अंदर है ना। ठीक है, सब काम हो जाएगा। सुनो, हाँ, पहले काम खत्म करो। हाँ ठीक है साहब। दोस्त, तुम इसे चिपका पाओगे? पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब मुझे तुम दे दो, मैं काम कर दूंगा। 1000 रुपया मिलेंगे, 200 रुपए एडवांस मिले, बाकी के पैसे दिला दूंगा। लेकिन जाओगे कैसे? अभी बाइक निकालने गए तो अनु को शक हो जाएगा। एक साइकिल भाड़े से लेते, मुझे कुछ काम है, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अपने सर को तौलिया बांधो, कोई पहचान न पाए। बेटा थोड़ा सा गोंद दे दो ना, मेरा गोंद नीचे गिर गया है। मैं पिताजी से पूछता हूँ। हाँ। भैया, पिताजी ने कहा गोंद नहीं है। थोड़ा सा तो लेकिन हमारे लिए भी कम पड़ रहा। सामने एक चाय की दुकान है, वहाँ पूछिए ना। काम नहीं है क्या? इधर आके चिपकाओ, उधर क्या टाइम पास कर रहे हो?
भाई थोड़ा मैदा और गर्म पानी चाहिए था गोंद बनाने के लिए, मिलेगा? अंदर जाकर आदमी से ले लो। हाँ देखो तुम्हारी साइकिल लेके कोई जा रहा है। हाँ? अरे पकड़ो पकड़ो उसे। ए, रुको, रुक जाओ। अब क्या करोगे? मेरी साइकिल लेके वो भाग गया। साइकिल तो गई। अरे ये किसने फाड़ दिया? अरे सुन यार, एक बुरी खबर है, किसी ने सारे पोस्टर्स फाड़ दिए। अरे वो गोंद का डिब्बा नीचे गिर गया था, गोंद के लिए मैं दुकान पर भी गया था और किसी ने वहां से मेरी साइकिल भी चोरी की। अभी तक सोई नहीं तुम? इतनी रात में किससे मिलने गए थे? वो एक दुबई रिटर्न आदमी आया था। ओ। लेकिन काम नहीं हुआ इसलिए मैं वापस घर चला आया। ये तुम क्या लिख रही हो? वैकेशन क्लासेस शुरू हो रहे हैं, कल पेरेंट्स के साथ मीटिंग है, मुझे वेलकम स्पीच देने को कहा है। एक छोटी सी मीटिंग की वेलकम स्पीच के लिए इतनी तैयारी? हाँ अनु, किसी भी चीज के लिए तैयारी करना अच्छा होता है। सिर्फ जिंदगी की तैयारी गलत हो गई है ना। ठीक है तुम दरवाजा लॉक कर दो। तुमने मैनेजर को फोन किया था क्या? मैं भूल गया। अच्छा। कल रात उसने फोन किया था, मैंने फोन नहीं उठाया, अभी फोन करता हूँ। हाँ कॉल करो। हेलो सर। हेलो, सब ओके है ना? नहीं सर, काम नहीं हो पाया। काम नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तुमने किसे काम पर लगाया था? मेरे दोस्त को, उसने चिपकाए थे सर, लेकिन किसी ने फाड़ दिए। तुमने किसे काम पर लगाया था? किसने फाड़ दिए? अगर काम नहीं कर सकते थे तो काम लिया क्यों था? हेलो, बहुत गुस्से में, उसे मिलने से बाकी के पैसे मिल जाएंगे। चलो बैठो, निकलते। अनु चलता हूँ। फिर से वही मैनेजर। बात तो करो, गलती तो अपनी ही है ना। हेलो सर। तुमको पता था ना कि ये काम कितना जरूरी है, बैंक के पास पोस्टर लगाना जरूरी है। सॉरी सर। तुम तुरंत बैंक पहुंचो, आज लॉकर की चेकिंग नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन बहुत काम है। क्या काम है? अगर पोस्टर चिपका देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम तुरंत बैंक पहुंचो और तुझे जरूर आना पड़ेगा। ठीक है, आता हूं। मैंने कहा था ना वो बहुत गुस्से में, अब मुझे तुरंत बैंक जाना होगा। अब क्या करें? मैं बैंक जाकर वापस आता हूं, हमें ऑफिस छूटने से पहले वहां पहुंचना है। मैं बात कर लूंगा, घबराओ मत, 11:30 बजे जंक्शन पे मिलो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, बैंक का काम खत्म होते हम वहां से निकल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। पता नहीं वो बैंक में क्यों बुला रहा है मुझे। तुम बैंक मत आओ, मैं अकेला ही जाता हूं। ठीक है। क्यों, क्या हुआ, वो क्यों चला गया? उसे कोई काम के लिए बाहर जाना था, थोड़ी देर के बाद जंक्शन में मिलेंगे। तब तो तुम मुझे स्कूल छोड़ दो, आज मुझे जल्दी पहुंचना है। अच्छा ठीक है। सुनो शाम को जल्दी आ जाना, आज खास दिन है, पता है ना आपको? आज 19 मई है ना? आज मेरे जिगरी दोस्त की बरसी है ना? नहीं जी, आज मेरे एक नालायक दोस्त का जन्मदिन भी है। अच्छा सुनो, क्या हुआ?
एक 100 रुपए की नोट मैंने आपके पर्स में रखी है, ज्योतिष के पास मत जाना और पेट्रोल जरूर भरवा लेना। ठीक है। अंदर आ जाओ। तुम करेशन से उठकर आ रहे हो, सही कह रहा हूं ना मैं? मैं कुछ समझा नहीं। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा वक्त बहुत खराब है। यह तुम्हारी कुंडली है ना? नहीं नहीं, ये मेरे दोस्त की है। तब तो मैं खुलकर ही बोलता हूं। हाँ। नाम है संतोष, श्रवण नक्षत्र, उम्र 30 साल, 8वां दशा में छठा भाव है। ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है। क्या मतलब है आपका? उसकी मौत निश्चित है और ये जिस आदमी की कुंडली है वो ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक जिंदा रहेगा। किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव जी को खुश करने से शायद वो बच जाएगा। मौत से बचने के लिए यही एक उपाय है। स्टॉप नहीं आया अभी। अरे भाई जल्दी रोको ना। ड्राइवर रुक रहे, क्या हो गया भाई? ने मेरा पॉकेट मार दिया। अपनी जेब बराबर से चेक कर लो, उसी में होगा, देख लो। मैंने सब जगह देखा, नहीं है। काय के लिए पर्स रुपए? 13,000 रुपए थे उसमें, मैं हॉस्पिटल जा रहा था। शांत हो जाओ, जिसने भी इसकी पर्स चुराई है बिना किसी को बताए गाड़ी के फर्श में रख दो। बेकार में देर करेंगे तो गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी, वहाँ जाना जरूरी है। तो तुम बताओ क्या करें। पुलिस की क्या जरूरत है, हम चोर को ढूंढ लेंगे। ये सब करने की क्या जरूरत है, पुलिस स्टेशन चलो। चलो चलो सीधा पुलिस स्टेशन लेके चलो। हेलो हेलो सुनो। अरे भैया पुलिस स्टेशन ले चलो। हेलो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। I have no time. नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते, सबको चेक करने के बाद ही तुम जा सकते हो। मैं बैंक में मैनेजर हूँ, मैंने पर्स नहीं लिया, मुझे चोरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं चोर लगता हूँ क्या?
तो पुलिस स्टेशन चलो ना। शक्ल देखकर हम किसी के बारे में ऐसे कैसे कुछ कह सकते? गाड़ी तो पुलिस स्टेशन जानी ही चाहिए। मैं जा रहा हूं। चाहता किधर है? इधर आ। पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। मैंने बोला ना मैंने पर्स नहीं लिया, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा तो तू जाना चाहता है, और उसके पर्स का क्या? तुम मेरे रास्ते से हटो। किधर बात कर रहे हो? जाने दो। मैंने बोला ना मैंने पर्स नहीं लिया, मुझे जाने दो। मैनेजर बनता है पुलिस स्टेशन तुझे चलना ही होगा। अरे मैंने एक बार बोला ना मैंने पर्स नहीं लिया। लोग अपना पर्स दिखा रहे, तुझे पर्स दिखाने में क्या प्रॉब्लम है रे? चले तुम लोग समझते क्यों नहीं मैंने पर्स नहीं लिया? रुक, उसे जाने मत दो, उसी ने पर्स चुराया होगा। मैंने बोला ना मैंने पर्स नहीं लिया, मुझे जाने दो। देखा ना ऐसे ही मार खाएगा। क्या हुआ? लगता है तूने ही पर्स चुराया। चल जल्दी से पर्स निकाल वरना बहुत बुरा होगा। नहीं मैंने नहीं लिया। तो तू पुलिस से ही मार खाएगा। सच में नहीं लिया। हेलो हेलो सुनो प्लीज। हेलो आई हैव नो टाइम प्लीज आई हैव टू गो। तुम रो क्यों रहे हो? मत रो। तुमने पर्स चुराया ना? नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? मुझे पिताजी के पास जाना है। कल पिताजी और मेरे बीच में झगड़ा हुआ, पिताजी ने मुझे मारा। कल रात को कुछ नहीं खाया और सुबह भी नहीं। मैं घर से भाग गया। पिताजी को ये बात मालूम नहीं। मेरे पिताजी अच्छे हैं। मुझे घर जाना है, पिताजी को देखना है। पिताजी का नंबर जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। तेरे पिताजी का नाम क्या है? साजन। हेलो हेलो आप साजन बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। नाटक करता मैं कौन हूँ? हम अभी दरिया वाले रोड पर हैं, आप जल्दी आ जाइए। हाँ अभी आ रहा हूँ। बस सड़क पर खड़ी है। हाँ। और अगर बस जाने लगी तो हम नीचे उतर कर आपका वेट करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्यों मारा? रुको देखो मेरा पर्स मिल गया, यही बैग में था। अरे उसे मारो मत, अंदर पर्स मिल गया है। अरे छोड़ो उसे छोड़ो, पर्स मिल गया है। तो पहले तुम्हें मारना चाहिए था, उस बेचारे को बेकार में मार पड़ रही है। ए, उसे मत मारो यार। अरे छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अब क्या कहते हो तुम लोग? तुम ज्यादा बोल रहे थे इसीलिए मारा। अभी ज्यादा मुंह खोला ना फोड़ दूंगा। ए, सब लोग गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। चलो जल्दी करो, जल्दी उतरो, उतरो। साहब नीचे आ जाओ, चलो। हेलो, अरे भाई साहब, अभी बस का टायर पंचर हुआ है, जल्दी आ जाओ। अब तक दूसरी बस नहीं लेके। हाँ, चलिए वैसे ही। ठीक है ठीक है। क्या देख रहा है बे? क्या हुआ? क्या चाहिए? फोन? फोन चोरी हो गया? ओहो, एक का पर्स चोरी हो गया और एक का फोन चोरी हो गया, क्या मुसीबत है। एक काम करो, तुम अंदर जाओ और ढूंढ लो। हाँ तुम अंदर जाओ और खुद ही ढूंढ लो ना। चलो जाओ। सब लोग बस से उतर गए क्या? ओ भाई साहब चलो उतरो।
मैंने बोला ना मैं पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओ हेलो माता जी, चलो नीचे उतरो, टायर पंचर हो गए, बस आगे नहीं चलेगी, चलो चलो सुनाई नहीं देता आपको। पिताजी। बेटा। सॉरी पिताजी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बेटा। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? जब आपने मुझे मारा तो मुझे बहुत दुख हुआ पिताजी। उस आदमी को मैंने कहीं देखा है। हाँ देखा होगा, मगर आगे से ऐसे तुम भाग कर नहीं जाओगे। चलो बैठो ना। तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम चले क्यों नहीं जाते भाई? बस टाइम पास कर रहा हूँ। भाई साहब कोई मदद चाहिए? अनु सुनो, तुम कहाँ हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। क्या हुआ? बहुत मिस कॉल थे। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आखिर हो कहाँ तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बता, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मैं जल्दी निकल रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, सर चकरा रहा है। मैंने तुम्हें कुछ और कहने के लिए फोन किया था। हाँ तो बोलो ना। किसी ने तुम्हारे दोस्त को पुल के नीचे मार डाला, उसके दोस्त और पुलिस खूनी को ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ ना। उस पुल के नीचे किसी का मर्डर हुआ है, पूरा रोड ब्लॉक है। क्या हुआ, चुप क्यों हो? और वो ब्रोकर सुधाकर है ना, वो आकर 35,000 रुपए देकर गया है। जो प्रॉपर्टी तुमने दिखाई थी वो बिक गई और उसका ये कमीशन है। और भी एक खुश खबर है। तुम जल्दी घर आ जाओ ना, घर आने के बाद बताती हूँ।